नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एंथर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंथर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गेमेट्स होते हैं और जो कि एंथर के अंदर बनते हैं। टिपिकल एंथर जो होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये देखो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है और इसमें एक कोलम होता है स्टाइल टिश्यू का, जिसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। और दूसरी साइड में क्या होती है, एंथर की लोब पाई जाती है। ईच लोब, प्रत्येक लोब में क्या है, टू माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, सेपरेटेड बाय स्ट्रिप ऑफ स्टाइल टिश्यू। एक्सटर्नली जो है बाहर की तरफ ये डीप चला जाता है, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बनाता है। और जब मेच्योर हो जाती हैं तो टू स्पोरेंजिया जो हैं वो लोब बिकम जॉइंटेड ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन वाल बिटवीन देम। और कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे मोरिंगा है, वोल्फिया में है, प्रत्येक अंतर लोब में क्या पाई जाती है, एक ही माइक्रोस्पोरिंजिया पाई जाती है। ऐसी स्थिति में जब दो माइक्रोस्पोरिंजिया एक लोब में पाई जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन, और जब एक लोब में एक ही माइक्रोस्पोरिंजिया पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस कंडीशन, जो कि मोरिंगा के अंदर, वोल्फिया के अंदर पाई जाती है। और कहीं कहीं पूरे अंतर के अंदर एक ही माइक्रोस्पोरिंजियम होती है, जिसमें रेयरली जैसे आर्शिथोबियम के अंदर ये सिचुएशन पाई जाती है। यहाँ सिर्फ एक ही लोब हो तो उसको हम आर्शिथोबियम के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक यंग एंथर को हम देखें तो एपिडर्मिस दिखाई दे रही है कंप्लीट, फिर एंडोथीशियम दिखाई दे रही है, मिडल लेयर्स, टेपिटम, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और एक स्टाइल टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर मौजूद है और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। यहाँ पर जो लोब की दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया के जो बीच का स्पेस है वो माइनर ग्रूव जो है वो स्टोमियम सेल्स से यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, स्टोमियम सेल्स उसमें पाई जाती है। तो इस तरह से ये अपन यंग अंथर अपन देख रहे हैं। आर्शिथोबियम की बात हम करें तो सिर्फ उसमें एक ही लोब का बना होता है, अंथर में पूरा ही आर्चिस्पोरियो, एपिडर्मिस और कोलमेला पाई जाती है। यंग अंथर जो होता है उसमें होमोजीनस मास होता है सेल्स का, और वो किसके द्वारा होता है, वेल डिफाइंड एपिडर्मिस के द्वारा कवर रहता है। जब यंग अंथर की हम बात करें जैसे यंग अंथर सेल्स का माउंड ही होगा खाली, होमोजीनस मास ऑफ सेल्स आप देख ही रहे हो, एपिडर्मिस स्टार्टिंग में बन जाती है, अनडिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमा टिश्यू ऑफ द अंथर। अब उसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन शुरू होता है, डेवलपमेंट के दौरान ये फोर लोब्ड अपीयरेंस में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके डेवलपमेंट में ये फोर लोब्ड अपीयरेंस प्राप्त कर लेता है और प्रत्येक लोब जो है वो उसमें कुछ हाइपोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं और जो कि क्लियर और हो जाती हैं दूसरी सेल से, और कैसे पहचान आएंगी, बड़ी साइज की दिखाई देंगी, रेडियल इलोंगेशन में होगा और स्पष्ट न्यूक्लियाई पाया जाता है। ये सेल्स जो होती हैं वो आर्चिस्पोरियम कंटेन करती हैं। आर्चिस्पोरियम जो है वो वर्टिकल रो ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। फिर यहाँ पर आप क्या देखेंगे, प्रत्येक आर्चिस्पोरियम जो है बना होता है डिफरेंशिएशन में स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि आप इसके सेंटर में आप देख रहे हो स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, पैरेलल होता है आउटर वाल ऑफ एंथर लोब के, और इसके कारण से फिर क्या होगा, इसमें जो डिस्टिंक्स, ये जैसे एक ही लोब इसमें अपन यहाँ इसको देख रहे हैं एपिडर्मिस है, ये आर्चिस्पोरियल सेल है, आर्चिस्पोरियल सेल एपिडर्मिस, यहाँ पर इसमें डिवीजन होगा तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगी, प्राइमरी पेराइटल लेयर बनेगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्राइमरी पेराइटल लेयर, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी पेराइटल सेल में रिपीटेड पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे, पेरिक्लाइनल भी होंगे और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे, जिसके कारण से 3 से 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बनती हैं एंथर की वॉल की लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स
या तो डायरेक्टली फंक्शन करने लग जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में, या फिर इनमें और ज्यादा डिवीजन हो जाते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का काम ये करती हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जब इसकी पैराइटल लेयर से किसका फॉर्मेशन हुआ है, पैराइटल लेयर से वॉल लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ है और स्पोरोजेनेस से टिश्यू से स्पोरोजेनेस। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, एंड डिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल यानी एंड डिफरेंशिएटेड अंतर। एंड डिफरेंशिएटेड अंतर में स्टार्टिंग में हमें क्या दिखाई दे रही, सिर्फ एपिडर्मिस और आर्ची स्पोरियल सेल्स यानी स्पोरोजेनस टिश्यू। फिर उसके बाद एपिडर्मिस तो लास्ट तक हम यहाँ भी देख रहे हैं, एपिडर्मिस हमें यहाँ भी दिखाई दे रही है, लास्ट तक एपिडर्मिस एपिडर्मिस ही रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में जो एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टैपिटम इत्यादि वाल लेयर नहीं थी, उनका भी धीरे धीरे क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है, प्राइमरी पैराइटल लेयर्स के द्वारा डिफरेंशिएशन हो गया है। तो यहाँ पर आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन के कारण से अभी हमने बात की थी कि बनता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी पैराइटल सेल से सेकेंडरी पैराइटल सेल्स की दो लेयर बन जाती हैं। सेकेंडरी पैराइटल सेल्स जो हैं आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंडोथीशियम का, और उसके बाद सेकेंड लेयर बन गई एंडोथीशियम। उसके बाद सेकेंडरी पैराइटल सेल में जो इनर लेयर है वो तो बना लेती है, किसका फॉर्मेशन कर लेती है, आउटर लेयर एंडोथीशियम का, और सेकेंडरी जो अपर मिडल लेयर जो होगी वो दो मिडल लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेंगी, आउटर और मिडल मिडल लेयर। अब उसके बाद सेकेंडरी पैराइटल सेल्स बनती हैं उसमें लोअर मिडल लेयर और टेपिटम। लोअर मिडल लेयर का फॉर्मेशन कर लेगी और एक बन जाएगा टेपिटम। उधर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या तो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स में परिवर्तित हो जाएंगी या सीधे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम कर लेंगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इसमें और डिवीजन हो जाएगा तो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स क्या कहलाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, ये सक्सेसिव डिवीजन हम डेवलपमेंट के स्टेजेस हमने यहाँ पर शो की हैं। पहले इस तरह से दिखाई देता है, धीरे धीरे से कॉर्नर्स पर डिफरेंशिएशन डिस्टिंक्शंस दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर आर्चिस्पोरियल सेल क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं चारों कॉर्नर पर, और फिर उसके बाद इनमें डिवीजन होता है, प्राइमरी पैराइटल लेयर्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल लेयर, प्राइमरी पैराइटल से सेकेंडरी पैराइटल लेयर और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन हम जब देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह की लेयर्स स्टार्टिंग में इस तरह से लेयर दिखाई देती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल। धीरे धीरे इनमें जब डेवलपमेंट हो जाता है तो एक परिपक्व अंतर के अंदर इस तरह से ये दिखाई देती हैं, रेडियली एलोंगेटेड एंडोथीशियम क्लियर दिखाई देती है, एपिडर्मिस और यहाँ पर पोलन मदर सेल्स की बजाय यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं माइक्रो स्पोर्स का, यहाँ पर शो हो रहा है, माइक्रो स्पोर्स शो हो रहे हैं। अब ये है एक क्या है, परिपक्व अंतर यानी मेच्योर अंतर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वॉल लेयर्स की, अंतर वॉल्स की, वॉल की बात करें तो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। एपिडर्मिस जो है अंतर डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाती है और इसमें रिपीट जैसे जैसे अंतर बड़ा होता था, रिपीटेड एंटीक्लाइनल डिवीजन के कारण से ये धीरे धीरे इंटरनल टिश्यू जैसे जैसे इनलार्ज हो रहे हैं उसके साथ ही इनलार्ज होती चली जाती है, और ये जब मेच्योर हो जाता है अंतर तो उसमें स्ट्रेच हो जाती है और फ्लेटेंड हो जाती है। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका काम, और इसमें कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे आर्थ्रोपियम में अनयूजुअल फीचर भी इसका पाया जाता है क्योंकि इसमें पाई जाती है फाइबरस थिकनिंग, जिसके कारण से ये एक्सोथीशियम के फॉर्म में भी काम करती है, जिम्नोस्पर्म की माइक्रोस्पोरेंजिया में जनरली एक्सोथीशियम का काम करती है। दूसरा है एंडोथीशियम, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये मल्टी लेयर्ड भी होती है,
और ये पैराइटल लेयर से डेवलप होगी जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, और ये प्रोट्यूबरेंट पार्ट जो होगा अंथर का वहाँ पर मौजूद होती है, क्योंकि यहाँ इस जगह पर ये अब्सेंट है। सिमिलर टिश्यू विच इज इनर साइड इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव से भी इसका फॉर्मेशन हो जाता है कहीं कहीं। तो ऐसी स्थिति में इसको सीट एपिटम बोल देते हैं, और सेल्स होती हैं एंडोथीशियम की, नहीं ये सेल इन रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, अभी ये पीछे अपने डायग्राम में देखा था। और ये मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है, जब इनको अंथर का डिहाइसेंस करना होता है और पोलन को डिस्चार्ज करना होता है। इस सेल्स में फाइबरस बैंड पाए जाते हैं, इनर टेंजेंटियल वॉल के ऊपर पाए जाते हैं, यू शेप्ड में पाए जाते हैं, और ये माना जाता है कि ये जो थिकनिंग है वो अल्फा सेलुलोज के हाई प्रोपोर्शन के कारण से होती है, और इनमें लिग्निन नहीं पाई जाती। और ये जनरली क्या है, फाइबरस बैंड्स का प्रेजेंस होना, आउटर और इनर टेंजेंशियल वॉल्स में डिफरेंट एक्सपेंशन होना, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ये एंथर जब मैच्योर होता है तो उसका डिहाइसेंस करवाने का काम करती हैं। और इनमें फाइबरस किसमें नहीं पाए जाते, फाइबरस बैंड्स अब्सेंट होते हैं कुछ मेंबर्स में, हाइड्रोकेरेटेसी के मेंबर्स में, कुछ क्लिस्टोगेमस फॉर्म्स ऑफ द फ्लावर में जो कभी भी खुलते नहीं हैं। उसके जस्ट बाद में है मिडल लेयर, मिडल लेयर एफीमेरल होती है यानी थोड़े समय के लिए रहती है, उसके बाद विलुप्त हो जाती है, धीरे धीरे फ्लैटेंड हो जाती है, क्रेस्ट हो जाती है जब पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है। कुछ प्लांट में एक और ज़्यादा मिडल लेयर्स रह सकती हैं, और वन जो कि एंडोथीशियम के पास वाली होती है उसमें कई बार फाइबरस थिकनिंग भी पैदा हो जाती है। जनरली इनका काम क्या होता है, स्टोरेज स्टार्च का और दूसरे फूड मटेरियल का स्टोर करना और उसको मोबिलाइज करना ताकि पोलन के डेवलपमेंट में काम में आ सके, इसलिए जल्दी से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद जस्ट इसके इनर साइड में होता है टेपिटम, टेपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर एंथर वॉल की, और ये भी मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है, जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की टेट्रार स्टेज हो और ये स्पोरोजिनस टिश्यू को कम्प्लीटली सराउंड करती है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ऑल द फूड मटेरियल टू स्पोरोजिनस टिश्यू मस्ट पास थ्रू इट। टिपिकली तो ये एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई पाया जाता है। कहीं कहीं ये टेपिटम का फॉर्मेशन जो है प्राइमरी पेराइटल सेल से ही होता है यानी, और कहीं कहीं इसका ओरिजिन ड्यूअल भी होता है, दो प्रकार से ओरिजिन होते हैं, यानी कहीं कहीं ये डाइमॉर्फिक नेचर भी शो करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एंथर जो है उसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग में होता है, तो एंथर जो है एक स्टेमन का डिस्टल पार्ट है, और उसमें एंथर में दो लोब पाई जाती हैं, दो लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के कारण से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और अनडिफ्रेंशिएटेड एंथर जब होता है तो उसमें जब डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है तो सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद अंदर की तरफ जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं आर्चिस्पोरियल टिश्यू। एपिडर्मिस स्टार्टिंग से लास्ट तक एपिडर्मिस ही रहती है, और जबकि आर्चिस्पोरियम में फिर से डिवीजन के कारण से प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी पेराइटल सेल से सेकेंडरी पेराइटल सेल्स की दो लेयर बनती हैं, आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल, इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल। आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल फिर डिवीजन से दो लेयर बनती हैं, आउटर वाली बाहर वाली एंडोथीशियम और अंदर वाली अपर मिडल लेयर, एंडोथीशियम फिर से एंडोथीशियम में परिवर्तित हो जाती है और अपर मिडल लेयर फिर से डिवाइड होकर मिडल मिडल लेयर की दो लेयर्स का फॉर्मेशन कर देती है। उसके बाद सेकेंडरी पेराइटल सेल्स के अंदर डिवीजन से लोअर मिडल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन हो जाता है, और लोअर मिडल लेयर जो मिडल लेयर का फॉर्मेशन करती है, और टेपिटम अल्टीमेटली न्यूट्रिटिव टिश्यू, टेपिटम
एपिटम में परिवर्तित हो जाता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में काम करती हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड होती हैं, और उनमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, जो कि अल्टीमेटली क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स के रूप में स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रकार हमने एंथर यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।